नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। लखनऊ के मारे गए विवेक का अध्याय तो बंद होने को है, लेकिन सवाल एक विवेक का नहीं है, राजनीति के पूरे विवेक का है, नेताओं के विवेक का है और जनता के भी विवेक का है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना से मिले। 40 लाख रुपए के मुआवजे पर वो मान गईं, लेकिन अब ये मुद्दा ब्राह्मण बनाम राजपूत, मुसलमान, जाट और दलित हो गया है। एक हत्या कैसे राजनीति का खिलौना बन गई है। जो पुलिस वाला रहता है सामने से गोली चलाता है, जब बंदूक निकालते हैं और तुरंत गोली मार देते हैं। जो भी मुझे दोबारा अपने परिवार को खड़ा करने के लिए, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी, वो सब सारे चीजों की फिक्र थी उन्हें। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। मुझे वहां जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि कहाँ हैं वो, मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं, मेरी बात उन तक नहीं जा रही है, लेकिन मुझसे ज्यादा वो मेरे बारे में सोच रहे थे। पति के चेहरे में गोली मारे जाने के 3 दिन के भीतर सरकार की व्यवस्था में बढ़ा हुआ ये विश्वास सरकार के लिए राहत की बात थी। दोनों उप मुख्यमंत्री 2 दिन से लगातार लगे हुए थे कि पुलिस ने जो किया सो किया, लेकिन कल्पना तिवारी का सरकार में विश्वास बढ़े। और पति की हत्या पर 1 करोड़ रुपए के मुआवजे पर अड़ी पत्नी ने 3 दिनों के मोल भाव के बाद 40 लाख रुपए पर यह विश्वास जाहिर कर दिया। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपनी राज्य सरकार से मुझे पूरी उम्मीद है, और आज मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, मैं इस बार मैं उनके मिलने के बाद उनकी सारी बातों से मैं संतुष्ट। अब देखिए कि विवेक तिवारी की पत्नी तो मुआवजा और नौकरी पाकर संतुष्ट भी हो गई, सरकार में आस्थावान भी हो गई, लेकिन बीजेपी के अपने विधायकों ने ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने विवेक तिवारी की हत्या को राजपूत मुख्यमंत्री के दौर में ब्राह्मणों पर दमन के तौर पर लिया। किसी ने बयान दिया, किसी ने चिट्ठी लिखी, और कोई कहने लगा कि मुख्यमंत्री की पुलिस पर पकड़ ही नहीं रह गई। एक व्यक्ति की हत्या हो गई और अधिकारी लोग उस चीज को छिपा रहे हैं, उसमें मीडिया वाले, चैनल वाले, सभी लोग सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीड़ा होती है। सरकार हमारी है। मायावती ने फौरन बीजेपी की कमजोर नस पकड़ ली, कहा बीजेपी के राज में ब्राह्मणों का दमन देखा नहीं जाता। अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोगों का भी अब कुछ ज्यादा ही शोषण व उत्पीड़न आदि हो रहा है, और अब तो पूरे प्रदेश में ये मान के चलो कि भय का वातावरण है। विवेक तिवारी की हत्या ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को बहुत बुरी तरह फंसा दिया है। 2019 से पहले अयोध्या के राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुस्लिम भावनाओं को हवा दी ही जा रही थी कि इस हत्या ने बीजेपी के अंदरूनी राजनीति को ही राजपूत बनाम ब्राह्मण बना दिया। लेकिन सरकार के लिए मुसीबत इतनी ही नहीं है, विवेक तिवारी की हत्या ने योगी राज में हुए तमाम मुठभेड़ों को संदिग्ध बना दिया है। मैं इन बातों में भी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री की भाषा देखिए, ठोक दो, ऊपर पहुंचा दो, बंद कर दो, ये क्या मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? अभी तो जनता जा रही है, फिर और लोग जाएंगे, हो सकता आपका हमारा भी नंबर आ जाए। विवेक तिवारी की हत्या उत्तर प्रदेश में जातीय ध्रुवीकरण का सबसे ताजा आधार बन गई है। एक तरफ ब्राह्मणों की नाराजगी है तो दूसरी तरफ कैराना और नूरपुर गंवाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के नाराज हो जाने का अंदेशा। विवेक तिवारी की हत्या के आरोपी कांस्टेबल प्रशांत चौधरी के परिवार पर रुपया बरस रहा है। जाट एकता का नारा लगा है। उनकी पत्नी के जिस बैंक खाते में 2 दिन पहले केवल 475 रुपए थे, उसमें 5 लाख रुपए डाले जा चुके हैं, क्योंकि पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति को बड़े अफसरों ने बलि का बकरा बना दिया है। मामला इतना जातीय हो चुका है कि योगी राज में ध्वस्त हो चुकी पुलिस व्यवस्था की कोई बात ही नहीं कर रहा। लोग भूल गए हैं कि दरअसल ये पूरा मामला हत्यारों के गिरोह की तरह काम कर रहे पुलिस तंत्र का है, क्योंकि राज्य में अभी तक 59 लोगों को मुठभेड़ के नाम पर पुलिस गोली मार चुकी है, लेकिन ऐसा हंगामा इससे पहले कभी नहीं मचा। ये चीफ मिनिस्टर के अल्फाज अगर इस तरह के रहेंगे कि हम ठोक देंगे हर एक को,
तो ये तो चीफ मिनिस्टर खुद इस तरह के अनपार्लियामेंट्री अल्फाज को इस्तेमाल करके इस तरह के कल्चर को और बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं। वोट की भूख में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि एक हिंदू की हत्या है और बीजेपी हिंदू विरोधी है। जैसे मुसलमान की हत्या हत्या नहीं होती। राजनीति के इस खेल में ऐसा लग रहा है कि सरकार की दिलचस्पी मामले की जांच में नहीं, कसूरवारों को सजा दिलाने में नहीं, ब्राह्मण बनाम राजपूत बनाम जाट के मुकाबले में अपने आप को बचा ले जाने में। सत्ता के विवेक की बात चली है तो इसमें केवल योगी आदित्यनाथ ही नहीं हैं, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के विवेक पर भी उंगली उठी है। सुमित्रा महाजन ने आरक्षण की व्यवस्था पर घोर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर इसे केवल 10 तक लागू करना चाहते थे। इस पर विपक्ष ने कहा कि ताई को डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना चाहिए। 10 जून 2018 तीन एससी बच्चों को गांव के तालाब में तैरने के गुनाह में नंगा करके पीटा जाता है। 22 जून 2018 भोपाल के पानसोरिया घाट खेड़ी में किशोरी लाल जाटो को जिंदा जला दिया जाता है। 24 जून 2018 फतेहपुर के दतौली गांव में एक एससी महिला को मार डाला जाता है। 25 जून 2018 गुजरात के मेहसाणा में एससी लोगों के बाल काटने पर नाई को मार डाला जाता है। 25 जून 2018 मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मोटरसाइकिल के सवारी पर दयाराम अहिरवार की हत्या हो जाती। केवल 15 दिन में घटी इन घटनाओं के बारे में बताना इसलिए जरूरी था कि आप समझ सकें कि एससी एसटी की सामाजिक स्थिति क्या है। आप समझ सकें कि ऐसे दौर में जब आरक्षण को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, जातीय विभाजन में दबे रह के लोगों के उत्थान के लिए बनाई गई यह व्यवस्था कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जब इस आरक्षण पर लोकसभा की अध्यक्ष सवाल उठाती हैं, तो बात गंभीर हो जाती है, वो भी सरकार के मंच से जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बराबर का भागीदार होता है। और ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था, वो बात मैं दोहरा रही हूँ। अंबेडकर जी ने कहा था आरक्षण केवल 10 साल के लिए चाहिए हमें। लोकसभा अध्यक्ष ने एक ऐसी बात कर दी थी जिस पर सियासत में आग लगनी ही थी, क्योंकि अंबेडकर ने संविधान में कहीं भी सेवाओं में आरक्षण की मियाद की कोई बात नहीं की है। अंबेडकर ने संविधान के इतर भी कहीं नहीं लिखा या बोला कि सेवाओं में आरक्षण कितने समय के लिए होना चाहिए, लेकिन सुमित्रा महाजन ने विधायिका में आरक्षण की समीक्षा को सेवाओं में आरक्षण तक फैला दिया था, और वो भी अंबेडकर का नाम लेकर। और ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था, वो बात मैं दोहरा रही हूँ। अंबेडकर जी ने कहा था आरक्षण केवल 10 साल के लिए चाहिए हमें। सवाल उठे कि क्या लोकसभा की अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद आरक्षण की विरोधी हैं? क्योंकि लोकसभा की अध्यक्ष लोकसभा के इस फैसले से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कि संसद और विधानसभाओं में एससी एसटी की नुमाइंदगी को हर 10 साल तक बढ़ाते चले गए। हर 10वें साल में हम केवल उसको 10 साल और आगे बढ़ाते गए, फिर एक बार तो 20 साल आगे बढ़ा दिया। क्या हो रहा है? कल बता क्या है? आरजेडी एससी एसटी आरक्षण को लेकर लोकसभा अध्यक्ष के इस बयान से तमतमा उठी। शिवानंद तिवारी ने सलाह दी कि सुमित्रा महाजन को अंबेडकर को पढ़ने की जरूरत है। आज भी हालत ये है कि दलित अगर घोड़ा पर चढ़ जाता है तो उसकी हत्या हो जाती है। सलाह देना सुमित्रा महाजन जी जैसे सीनियर जो राजनेता है उनकी भी जवाबदेही है कि क्यों नहीं 10 बरस में वो लक्ष्य हासिल हुआ जिसकी कल्पना बी आर अम्बेडकर साहब ने की थी। इसलिए उनको हमको लगता है कि फिर से इसको समझने की जरूरत है और अंबेडकर साहब को फिर से माने पाठ करने की जरूरत है। कतार लग गई कोसने वालों की। आरजेडी, एनसीपी, कांग्रेस, किसी को अंदाजा नहीं था कि लोकसभा की अध्यक्ष एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था से इतनी कुपित है। She's a speaker of the Lok Sabha. It's a constitution post. She should not make such irresponsible comments. बात इसलिए और बढ़ गई कि लोकसभा की अध्यक्ष ने अंबेडकर का नाम लेकर आरक्षण पर फैलाए गए एक गलत प्रचार को तथ्य की तरह पेश कर दिया था। और ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था, वो बात मैं दोहरा रही हूँ। अंबेडकर जी ने कहा था आरक्षण केवल 10 साल के लिए चाहिए हमें।
आरक्षण को थोड़ी देर के लिए किनारे रखिए और कुछ तथ्यों पर गौर कीजिए। 2006 से 2016 के बीच एससी एसटी के खिलाफ हुए अपराध की आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी भारत सरकार के। देखिए कि 2006 से 2016 के बीच एससी उत्पीड़न के मामले 8 गुना बढ़ गए। 2006 में प्रति 1,00,000 एससी औसत अपराध की संख्या सिर्फ 2.4 होती थी। 2016 में प्रति 1,00,000 एससी औसत अपराध 20.3 तक पहुंच गया। 10 साल में आदिवासियों के खिलाफ तो 12 गुना बढ़ गए। 2006 में प्रति 1,00,000 आदिवासी उत्पीड़न के आधे मामले दर्ज होते थे। 2016 में प्रति 1,00,000 आदिवासी उत्पीड़न की संख्या 6 हो गई। 2006 से 2016 के बीच एससी एसटी उत्पीड़न के कुल 4,22,799 मामले दर्ज किए गए। हरियाणा के मिर्चपुर गांव के जले हुए मकान आज भी उजाड़ पड़े हैं। 2010 में तारा चंद और उनकी बेटी को वहां जिंदा जला दिया गया था। एससी एसटी तबके के लोगों को मकान दलान गांव छोड़कर भागना पड़ा। 24 अगस्त 2018 को 209 पन्ने का फैसला आया, 12 को उम्र कैद। इंसाफ हो चुका है तो फिर वो कौन से कारण है कि एससी समुदाय के लोग आज भी अपने घर लौटने को राजी नहीं? तो सोचिए कि बाबा साहब के विचार और राजनीति के आचार के बीच खड़ी आरक्षण की व्यवस्था क्या समाज के कदाचार पर टिप्पणी नहीं है? आज तक ब्यूरो। अगर सरकार चलाने वाले विवेक के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं तो जनतंत्र अपना रास्ता भटक सकता है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विवेक को ही आप ले लीजिए। विधानसभा चुनाव के शोर के बीच उन्होंने गाय की भलाई के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का फंदा फेंका है, लेकिन इस पर सबसे पहले भड़के वो संत जिन्होंने राज्य मंत्री का ओहदा लिया है और वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। आज मैंने फैसला किया है कि हम गौ मंत्रालय की स्थापना अलग से करेंगे जो गौ माता की रक्षा के काम में लगेगा और उनकी व्यवस्थाएं बनाने का काम करेगा। व्यवस्था तो शिवराज सिंह बीजेपी की बनाना चाहते हैं, सत्ता में लौटने की व्यवस्था, और उन्हें उम्मीद है कि गाय मंत्रालय के वायदे पर वोट छक कर खाने को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें कि गो संवर्धन बोर्ड है, लेकिन मुझे लगता है बोर्ड की जगह आचार्य आपकी अनुमति हो तो उसको मंत्रालय बना दें, बोर्ड बनाए। इसी को कहते हैं विचार, अंग्रेजी वाले आइडिया बोलते हैं। ऐसा आइडिया शिवराज सिंह जैसे गायवादी नेता लाते कहां से हैं? बचपन में हर बच्चा पहली कविता गाय पर लिखता और समझता है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। चुनाव के दरवाजे पर खड़ा मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता है कि गाय तो हमारी माता है, लेकिन आपको क्या आता है? इस सवाल पर पहला झटका उन्हें उन संतों सन्यासियों और भक्तों ने दिया है जिनकी गो सेवा पर रीझ कर उन्होंने उन्हें मंत्री बनाया था। मैं संत पुजारियों के हित में मठ मंदिर संरक्षण, गौ संरक्षण, नर्मदा संरक्षण के साथ साथ अनेकों धार्मिक कार्यों के लिए अथक प्रयास करने के बावजूद अपनी बात सरकार से मनवाने में नाकाम रहा। गाय राज्य स्थापित करने की कोशिश में अगर शिवराज सिंह संतों का सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते थे तो समझ लीजिए उन्हें इस रवाये का इल्म तो कतई न रहा होगा। सोचा था कि गाय के नाम पर बावरे हो जाएंगे लोग, यहाँ बैरी हो गए। लो रख लो अपनी गाड़ी, अपना दफ्तर, अपने अर्दली, नहीं चाहिए उधार का ये जलवा, आप गाय के रक्षक नहीं हो सकते। संतों के भारी दबाव के कारण मैं अपना त्याग पत्र माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय प्रेषित कर रहा हूँ। ऐसे में शिवराज सिंह मुकुट पहनकर जब गाय मंत्रालय बनाने की बात करते हैं तो लगता है वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे नहीं, आसमान से उतरे हुए राजा हैं। आज तक ब्यूरो। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।